आज हम कॉर्न वाली पनीर भुर्जी बनाने वाले हैं, वो भी बिना टमाटर के। और आज मैं आपको टमाटर की जगह पर दही का सही तरीके से यूज करना बताऊंगी, जिससे कि किसी भी सब्जी का कलर और टेक्सचर टमाटर से भी बढ़िया आएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, और अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क्रम्बल कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, और सबसे पहले हम इस पनीर भुर्जी को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि ये पनीर भुर्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने मसालों में लिया है कुछ साबुत गरम मसाले, तो काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सबको हम कढ़ाई में डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें साबुत जीरा डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच सौंफ इसमें डाल देंगे। तो इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। इस तरीके से आप पनीर भुर्जी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये मसाले ड्राई रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और उसके बाद इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, और इसे भी इसमें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि कसूरी मेथी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए हैं, हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसका हम एक दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। तो आप ग्राइंडर जार में डालकर भी इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर सकते हैं, या आप खलबट्टे की मदद से भी इसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब कढ़ाई को दोबारा से गर्म करेंगे, और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, तेज़पत्ता और बारीक कटे हुए लहसुन इसमें डाल देंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। इन सबको डालने के बाद हम इन्हें 1 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके डाल रही हूँ। अब हम प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, या फिर इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पर प्याज को नहीं भूनेंगे, नहीं तो प्याज जल जाएगा। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है, और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे। आप मिर्च अपने अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, मैं यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों को। तो फ्लेम को लो करके इन मसालों को भूनने देंगे, और तब तक मैं आपको दही का सही तरीके से यूज करना बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही लिया है। अब केवल इस दही को अगर हम किसी सब्जी में डालेंगे तो टमाटर के जैसा खटास तो लाएगा, लेकिन उस सब्जी में बढ़िया सा कलर नहीं आ पाएगा। तो अब हम कलर के लिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर अच्छे से इसे बीट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जार में भी डालकर अच्छे से बीट कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा घरेलू टमाटर बनकर तैयार हो गया है। आप इसे किसी भी सब्जी में डालिए, बहुत ही गजब का टेक्सचर और कलर आता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें ये अपना घरेलू टमाटर डाल देते हैं। तो फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही इस दही को इसमें डालना है। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, या तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे। और अब आप देखते जाइए इसमें कितना बढ़िया कलर आने वाला है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही गजब की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है इस तरीके से। कोई कह ही नहीं सकता कि ये बिना टमाटर के बनकर तैयार हुई है सब्जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मसालों से तेल अलग होने लगा है, और इसमें कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें कॉर्न ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न को अच्छे से उबाल लिया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मैश भी हो रहा है।
तो आप चाहे तो बिना कॉर्न के भी बना सकते हैं। तो मैं सारा कॉर्न इसमें नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद इसमें ये कद्दूकस किए हुए पनीर भी डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे बटर, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच बटर डाल रही हूँ। तो बटर को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो आप चाहे तो इसे सूखा भी खा सकते हैं इसी तरीके से बिना पानी के, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो आधा कटोरी पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब हम इसमें तैयार किए हुए मसाले डालेंगे, जिसको हमने ड्राई रोस्ट करके दरदरा पाउडर तैयार कर लिया था। एक बार इस तरीके से मसाला तैयार करके आप पनीर भुर्जी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार हो गई है, कॉर्न के साथ में, कॉर्न वाली पनीर भुर्जी। अब हम इसे कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चावल या फिर पूरी पराठों के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।